नमस्कार दोस्तों, कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती, उसका हिम्मत से सामना किया जाए तो कुछ समय बाद आप देखेंगे कि वही समस्या आपके जीवन में मील का पत्थर साबित होंगी। आप उस समस्या के बाहर आकर और ज्यादा सशक्त हो जाएंगे। आइए इस कहानी के माध्यम से इस बात को और आसानी से समझते हैं। स्वागत है आपका संस्कार टेल्स की कहानियों की दुनिया में। आइए सुनते हैं ये रोचक कहानी। एक किसान के पास एक गधा था। वो काफी बूढ़ा हो चुका था। एक दिन वो चरने के लिए पास के खेत में गया और असावधानी के कारण एक सूखे कुएं में गिर पड़ा। जैसे ही वो कुएं में गिरा, डर के मारे जोर जोर से रेंकने लगा। उसके रेंकने की आवाज जब किसान ने सुनी तो वो दौड़ा दौड़ा खेत के उस कुएं के पास गया। फिर उसने गधे को कुएं से बाहर निकालने का बहुत प्रयास किया, किंतु सब व्यर्थ रहा। अंत में थक हार कर उसने सोचा कि इस गधे को कुएं से बाहर निकालने का प्रयास निरर्थक है। वैसे भी ये गधा बूढ़ा हो चुका है, इसलिए मिट्टी डालकर इसे कुएं में ही दफना दिया जाना उचित होगा। वो गांव गया और वहां से कुछ आदमियों को कुएं में मिट्टी डालने के लिए बुला लाया। हाथ में फावड़ा लिए वे आदमी कुएं पर पहुंचे और फावड़े से मिट्टी उठाकर कुएं में डालने लगे। जब गधे के ऊपर मिट्टी गिरने लगी तो वो समझ गया कि क्या होने वाला है और वो बुरी तरह से रेंकने लगा। किसान ने जब उसे देखा तो उस पर उसे दया भी आई, लेकिन अब वो क्या कर सकता था। कुएं से बाहर न निकाल पाने के कारण उसने तो गधे को वहीं दफन करने का मन बना लिया था। लोगों का कुएं में मिट्टी डालना जारी रहा। इधर कुछ देर तो गधा बुरी तरह रेंकता रहा, लेकिन फिर न जाने क्या हुआ कि वो शांत हो गया। किसान को उसके शांत होने पर हैरत हुई और उसने कुएं में झांक कर देखा। कुएं में जो हो रहा था उसने उसे और हैरत में डाल दिया। लोग कुएं में मिट्टी डालते और वो मिट्टी गधे पर गिरती तो वो उसे झटक कर गिरा देता और जमा मिट्टी के ढेर पर चढ़ जाता। हर बार वो ऐसा ही करता। लोगों का कुएं में मिट्टी डालना जारी रहा और गधे का मिट्टी को झटक कर मिट्टी के ढेर पर चढ़ना जारी रहा। कुछ ही देर में कुआं मिट्टी से भर गया और गधा बाहर आ गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी भी विभिन्न समस्याओं के रूप में हम पर मिट्टी फेंकती है। यदि हम उनसे डर गए और हार मानकर बिना कुछ करे बस परेशान होते रह गए या रोते रह गए तो उस मिट्टी के नीचे ही दफन हो जाएंगे। इसलिए जब जीवन में समस्याएं आए तो उनसे डरे नहीं, सकारात्मक रहकर उनका सामना करें। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।